हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड फोन। और जो भी टॉपिक होगा, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, तो यू आर फ्री टू डिसएग्री ऑन दिस, बट पूरा वीडियो देखिए फिर डिसएग्री कीजिए या अग्री कीजिए, जो भी है। सो विल स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर वन, बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट यू फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके बाय। ओके गाइस, तो कभी फोन खरीदने से पहले हम तीन चीज जरूर पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट, फंक्शंस और ड्यूरेबिलिटी। कॉस्ट से हम शुरू करते हैं। सबको पता है, इट्स अ नोन फैक्ट कि आईफोन फोन जो है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है, नॉट ओनली आईफोन, वो सब अपर सेगमेंट को टारगेट करते हैं। उनका मिड रेंज में, लोअर रेंज में कोई भी आइटम नहीं है। वेरएज सैमसंग ले लो या कोई भी एंड्रॉयड फोन ले लो, उनका फ्लैगशिप लोअर से लेके मिड सेगमेंट से लेके अपर सेगमेंट तक होता है। तो दैट्स वेयर सैमसंग या एंड्रॉयड फोन जीत जाता है। बट ये अकेला पॉइंट नहीं है जो आपको फोन लेने के लिए चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें ये पता चलना चाहिए कि ये फोन कितना चलेगा, कितना आपके साथ निभाएगा। मैंने दोनों फोन यूज किए हैं, एंड्रॉयड भी यूज किया है और आईफोन भी यूज कर रहा हूँ अभी। तो जहां तक ड्यूरेबिलिटी का सवाल आता है, एप्पल मेरे लिए वहां पे जीत जाता है। रुक जाइए, डोंट रीच द कॉमेंट सेक्शन, वेट। क्यों बताता हूं आपको मैं। सैमसंग फोन आपका एक साल अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा, मस्का चलेगा, लेकिन उसके बाद उसका बैटरी लैग करेगा, उसका फोन बुरा फोन लैग करना शुरू हो जाएगा, आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी चक्कर काटे हैं सर्विस सेंटर के। वैस आईफोन एक साल, दो साल, तीन साल मस्का, नो नीड टू गो एनी वे, फोन लैग नहीं करता है। एंड यकीन मानिए, मैं पिछले 7 या 8 साल से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी मेरा फोन लैग नहीं किया। कितना भी मेमोरी फुल होने दो, कभी लैग नहीं किया है। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज फीचर्स। अभी मैं जानता हूँ कि सैमसंग या कोई भी एंड्रॉयड फोन फीचर रिच होता है, सारे जो नए नए फीचर्स है उस फोन के अंदर आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं एप्पल लैग करता है, एप्पल 2-3 साल पीछे चल रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई गिव दैट टू सैमसंग, बट क्या सिर्फ फीचर्स जरूरी है? फीचर्स चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, राइट? वो हमें लाता है चौथे पॉइंट पे, जो मैंने पहले मेंशन नहीं किया, दैट इज। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो जो सैमसंग का फ्लैगशिप, काफ़ी सारे फ्लैगशिप है उसके पास, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट होता है, जो मेजर अपडेट होता है, वो सब मिलता है लेटेस्ट फ़ोन को, लेटेस्ट उनके मॉडल को मिलता है। जो पुराने मॉडल है उनको जो अपडेट मिलता है, इट इज़ वेरी मिनिस्क्यूल। वो आप अपडेट करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट जहां बात आई एप्पल की, आप भले आईफोन 5 यूज़ कर रहे हो या आईफोन 10, आपको सेम सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलता है। यू डोंट हैव टू चेंज योर फोन। आई नो देयर वर रूमर्स बीच में कि आईफोन अपना फोन लैग करवा देता है सॉफ्ट नया फोन आने के बाद, बट ट्रस्ट मी, इतने साल से यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी ये फेस नहीं किया। मेरा फोन कभी लैग नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट में आ जाए, लैगिंग में आ जाए, तो आईफोन विंस द पॉइंट, सैमसंग थोड़ा नीचे जाएगा। नो, बिफोर यू स्टार्ट गोइंग ऑन द कॉमेंट सेक्शन एंड टेलिंग मी के एंड्रॉइड इज बेटर एंड सैमसंग, ये तो सिर्फ आईफोन कर रहा है, बायस्ड है, नो बॉस, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, मैं दोनों फ़ोन यूज़ करता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यू आर एंटाइटल टू डिसएग्री ऑन दिस, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू गो एंड स्टार्ट अ वॉर इन द कॉमेंट सेक्शन। दोनों फ़ोन अच्छे हैं, आईफोन भी अच्छा है, एंड्रॉयड भी अच्छा है, बट मेरे लिए आईफोन समवेयर ऑन द लाइन इज ऑन टॉप ऑफ एन एंड्रॉयड फोन। Why? I'll give you the reason. पैसे के मामले में iPhone, ड्यूरेबिलिटी के मामले में iPhone, OS के मामले में iPhone, फीचर्स के मामले में iPhone, तो कहीं ना कहीं सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया आपको मैं, कि iPhone इतना एक्सपेंसिव या एप्पल के प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? उसका रीज़न ये है, एप्पल जो पार्ट्स यूज़ करता है, दोज आर ऑल प्रीमियम क्वालिटी। आई एम नॉट सेइंग कि सैमसंग चिप क्वालिटी यूज़ करता है, बट कहीं ना कहीं एप्पल के जो पार्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट उनका जो फिनिश होता है, उनका जो ओवरऑल लुक भी देखो, अंदर के पार्ट्स भी देखो, दे आर ऑल प्रीमियम क्वालिटीज। नाउ ऑफ द क्वेश्चन कम, शुड आई बाय आईफोन और शुड आई स्पेंड ऑन एंड्रॉयड? भाई वो आपकी, हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। कोई आईफोन लेता है शोबाजी के लिए, कोई हम जैसे लोग हैं जो आईफोन लेते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, उसको बिजनेस में यूज़ करने के लिए। तो फ़ोन ख़रीदने के टाइम काफ़ी सारे सोच आते हैं मन में, कॉस्ट है, कॉस्ट में तो आईफोन ऑब्वियसली किधर नहीं है, इट इज़ वे हाई, तो एंड्रॉयड इज़ लाइक द विनिंग थिंग ओवर देयर। बट अगर आपके पास पैसे हो, आपको अच्छा इन्वेस्ट करना हो, तो आई वुड डेफिनेटली से गो फॉर आईफोन।
सो यार दैट्स इट फॉर द व्लॉग. आई होप आपको कुछ समझ में आया हो या कोई सवाल हो आपके पास तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए. एंड यू आर फ्री टू गो एंड अब्यूज मी ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आपको लगे कि मैं बायस हूँ तो वो आपकी मर्जी. पर मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, आई एम नॉट बींग बायस टूवर्ड्स iPhone. So yeah, that's it for the vlog. Make sure you like, share and subscribe and catch me on my Insta. My Insta is amitesh2.0. That's it. Bye. ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਡੇ 300 ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲੈਗ ਨੀ ਚੁੱਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਦਈਏ ਮੈਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਜਨ ਜੈ ਜਨ.